हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशंस उसमें से हमारा पहला है थर्मोडायमिक पोटेंशियल्स क्या है व्हाट आर द थर्मोडायनमिक पोटेंशियल फर्स्ट हम लोग उसको डिफाइन करेंगे उसके मैथमेटिकल फॉर्म को देखेंगे एंड देन विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायमिक पोटेंशियल वी विल ड्राइव मैक्सुल्स फोर थर्मोडायनेमिक रिलेशन सो फर्स्ट वी विल डिफाइन थर्मोडायनमिक पोटेंशियल सो व्हाट इज थर्मोडायनमिक पोटेंशियल पोटेंशियल से हम लोग क्या समझते हैं ट मींस वैसे फंक्शंस जो थर्मोडाइनमेकिक क्वांटिटीज को डिफाइन करने में हमारे हेल्पफुल हो सकते हैं सो व्हेन ए सिस्टम एपरेंटली सोज नो मैकेनिकल एनर्जी No mechanical energy, but still capable of doing work, it is said to possess. इंटरनल एनर्जी और इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रेंसिक एनर्जी इसको हम लोग क्या कहते हैं इंट्रेंसिक इंट्रेंसिक एनर्जी सो In a infinitely small reversible process change in this.

प्लस डी डब्ल्यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेवेशन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी दैट इज जो हीट हम लोग सप्लाई करते हैं सिस्टम में वो उसके कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी को चेंज करता है और कुछ पार्ट जो है वो वर्कडन में काम आ जाता है सो इस फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिस इज फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स and the second equation is the from TDS equation DQ is equal to TDS this is TDS equation this is uh, second entropy or equation mein humne dekha tha second law of thermodynamics okay. ना दोनों को हम लोग combine करेंगे सो so, हमारे पास हो जाएगा डी यू इज इक्वल टू डीक्यू की जगह पे हम लोग पुट करेंगे टी डी एस और डी डब्ल्यू की जगह पे हम लोग पुट करेंगे पी डी वी हम लोग जानते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है पी डी वी पी इज द प्रेशर एंड इज द वॉल्यूम सो वेन एंट्रोपी एंट्रोपी जिसको हम लोग एस से डी नोट करते हैं एंट्रोपी एस रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंट्रोपी रिमेंस कांस्टेंट होगा तो ऑब्वियसली इसका डिफ्रेंसिएशन जो होगा डी एस वो जीरो होगा सो इस इक्वेशन से हमारा क्या हो जाएगा डी यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी ओके डी यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी सो वी कैन राइट हेयर फ्रॉम पी इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी वी नाउ दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज माइनस डो यू पार्शल डिफेंसिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू पार्शल डिफेंसिएशन ऑफ वी विथ कॉन्स्टेंट एंड ट्रोपी इसको हम लोग यहाँ पर ही नोट कर रहे हैं उसी तरह से इसी इक्वेशन में सेम इक्वेशन में अगर हमारा वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो इफ वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट इफ वी इज कॉन्स्टेंट तो क्या हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू जीरो तो इस इक्वेशन से हमारा क्या हो जाएगा डी यू इज इक्वल टू टी डी एस सो वी कैन राइट टी इज इक्वल टू माइनस सॉरी प्लस डू यू बाई डू एस किस वॉल्यूम पे हम लोग वॉल्यूम पे कांस्टेंट से सो एट कांस्टेंट वी सो हम लोग देख रहे हैं कि एक कांस्टेंट करने के बाद हम लोग अलग अलग इक्वेशन अलग अलग फॉर्म में निकाल सकते हैं अलग अलग फॉर्म में मतलब एक चीज को अगर कॉन्स्टेंट करें तो दूसरा क्वांटिटी निकल रहा है और दूसरे क्वांटिटी को यूज कर रहे हैं तो उसके डेरिवेटिव के फॉर्म में हम लोग दूसरे फॉर्म को हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे दूसरे के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं सो so, इस तरह के फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं इस तरह को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल सो दस वी सी दैट Just as the derivative of other potential. अदर पोटेंशियल हम लोगों ने अभी तक कौन कौन से पोटेंशियल दिखाई इलेक्ट्रोस्टैटिकोटेंशियल गैविटेशन पोटेंशियल सो अदर पोटेंशियल गिब्स गिवन पोटेंशियल गिवन और पोटेंशियल गिब्स ओके वी कैन राइट अवस एज गि other potential gives derivative of other potential gives we can write we can write internal energy is considered considered as फर्स्ट थर्मोडाइनेमिक पोटेंशियल थर्मो डायनेमिक पोटेंशियल जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सारे टर्म्स को दूसरे के फॉर्म में लिख सकते हैं उस तरह से इंटरनल एनर्जी को हम लोग क्योंकि यहां इंटरनल एनर्जी को फॉर्म को हम लोग दो के फॉर्म में लिख रहे हैं डो यू बाई डो वी और डो यू बाई यू है यू क्या है वो है इंटरनल एनर्जी सो इंटरनल एनर्जी के फ्रेम ये हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सॉरी थर्मोडायनिक पोटेंशियल है इसके फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं सो इट इज द फर्स्ट तो फर्स्ट हमारा थर्मोडायनिक uh, पोटेंशियल क्या हो गया फर्स्ट थर्मोडायनोमिक पोटेंशियल हो गया इंटरनल एनर्जी सो एट कॉन्स्टेंट Volume dv is equal to zero and therefore du is equal to t d s equation our equation And this can be written as dq. Okay. At constant volume, molar heat capacity C V can be written as DQ by dt. Okay. डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सो चूंकि अभी ये इक्वेशन कहा से आया तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन था डीयू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डीवी तो यहाँ पे अगर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम करेंगे तो ऑब्वियसली डी यू इज इक्वल टू टी डी एस आएगा सो हम लोगों ने डी यू इज इक्वल टू टी डी एस लिखा और डी यू का वैल्यू किसके बराबर है डी यू का वैल्यू हमारा इसके किसके बराबर होगा डीक्यू के बराबर होगा क्योंकि का वैल्यू किसके बराबर सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स से सेकेंड के बराबर सो so हम लोगों ने यहां पे लिखा और सीवी इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी और डीक्यू के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं डी यू लिख सकते हैं तो हम लोग यहां पे लिखेंगे डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ओके देयरफॉर फोर डी वी फॉर्म so, so, में हो गया सो so, यह हमारा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है सो so, फर्स्ट हमारा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल कौन सा हो गया फर्स्ट the थर्मो dynamic potential this u this u is this u is internal energy apart from internal energy there are other three मोर थ्री थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल इसके अलावा और भी तीन हमारे थर्मोडानेमिक पोटेंशियल से सो हमारा सेकेंड जो थर्मोडाइनेमिक पोटेंशियल है वो है हमारा सेकेंड थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल इसको हम लोग डिफाइंड करते हैं एच से एंड दिस इज कॉल्ड एंथाल्पी सभी को एक एक करके हम लोग डिफाइन करेंगे एंथल्पी एंड दिस एंथाल्पी इज यू प्लस पी वी के बराबर होता है द थर्ड थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल इज एफ दिस इज कॉल्ड हेल्मोड्स फ्री एनर्जी दिस इज यू माइनस टी एस एंड द फोर्थ वन फोर्थ थर्मोडाइनमिक पोटेंशियल इज स्कॉल जी स्कॉल गिप्स फ्री एनर्जी एंड द गिप्स फ्री एनर्जी इज एच माइनस टी एस और एच का वैल्यू अगर पुट कर दें सो यू प्लस पी वी माइनस टीएस सो ये हमारे चार थर्मोडाइनेमिक पोटेंशियल है जिसमें से आज हम लोगों ने देखा फर्स्ट थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल ठीक है और इस थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल को यूज करने के लिए कुछ हमारे एप्लीकेशंस भी हैं सेकंड एप्लीकेशन ऑफ सेकंड भी थर्मोडायनेमिक्स में जिसको हम लोग कहते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन कि अगर डी एफ है अगर एफ जो है फंक्शन है एक्स और वाई का सो डी एफ कैन बी रिटर्न बाई कॉन्स्टेंट वाई डी एक्स एंड एट कॉन्स्टेंट एक्स डी वाई ये सब हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं एंड दिस कैन बी ऑल्सो वर्चुअल चेंज में भी हम लोग लिख सकते हैं फिर कॉम्युनिकेशन के फॉर्म में अगर उसको अलग अलग फॉर्म में चेंज किया जाए अगर मेरा एस वाई और जेड का फंक्शन हो तो वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं एस जो है वो अगर वाई और जेड का फंक्शन हो तो एस को हम लोग वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि यही दोनों कैंसल हो जाएगा तो एक्स uh, वाई के फॉर्म में और फिर जेड के फॉर्म में सो ये दीज आर रूल्स जो हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और ये हमारे थर्मोडायनमिक पोटेंशियल पोटेंशियल मतलब किसी की दूसरे के दूसरे फंक्शन के फॉर्म में जिसको लिखा जा सकता है तो थर्मोडायनेमिक्स में भी इस तरह से चार पोटेंशियल्स हैं ये फॉर्मूलेज हैं इसको याद करना होगा इंटरनल एनर्जी यू देन सेकेंड इज थर्मोडायनमिक पोटेंशियल इज एंथालपी दैट इज एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी